मोहन यहाँ पे पेट्रोल पंप के बरार में अस्पताल है, काफ़ी बड़ा मशहूर अस्पताल है मोहन नर्सिंग होम है, वहाँ के ऊपर से 4-5 जने गोली चला रहे हैं फायर के साथ, जिसके बंदे की यहाँ आके गोली लगी है, जो 17 नंबर में रहता है, लगती बंदा डेड हो चुका है, लोग उसे नहीं दिखा रहे हैं। परसों रात हमारे घर में हादसा हुआ है, ये मेरे दो भाइयों को दंगाइयों ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, घर का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारी तो दुनिया ही लूट गई है घर की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमुना सत सलामन कुम साथियों। वॉइस ऑफ मानव तार टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघ राशि यूएसए से साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हक सच की आवाज़ उठाते हैं और सही बात सही टाइम के अनुसार हम बताने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो आप सभी ने देखा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, और अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। और इसमें अभी दिखाएंगे हम आपको कि जो हॉस्पिटल एक सामने है, वहाँ से एक हिंदू नाम से हॉस्पिटल है, उसके ऊपर खड़े होकर लोग गोलीबारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जो वीडियो बना रहे हैं बंदे, वो कह रहे हैं कि ये आरएसएस के गुंडे हैं और गोली जो है चला रहे हैं। तो आओ उस पर हम थोड़ा वीडियो देखते हैं, इसमें पहले 2-3 वीडियो हैं, इसको देखते हैं। जी गाली नहीं, ये देखो वो बंदूक से फायरिंग हो रही है, देखो ये देखो लोड करी आ रही गन। ये तो गन लोड कर रहा हो, ब्लैक जैकेट में हेलमेट पहना हुआ, वो देखो फायरिंग कर रहा नीचे को, ये देखो ये मोहन नर्सिंग होम के ऊपर से आरएसएस वाले फायरिंग कर रहे हैं। अबे भाग जा, गाजर टेक वीडियो, टेक वीडियो, उधर खड़े हो, हल्ला मत मचाओ, ये चिमनी है, आरएसएस वाले गोली चला रहे हैं साहब, आरएसएस वाले मोहन नर्सिंग होम पे से गोली चला रहे हैं, जिंदा गोली चल रही है। अरे भाई बोल रहे होंगे कि 12 में सही है, इन्होंने फेंक दी सही है। रोहित, वी आर नॉट सेफ हियर, लाइक चलो यार नीचे चलो, गोली चल रही है यार यहाँ पे, सी निशाना बना रहा है वो इधर ही बना रहा है वो। परसों रात हमारे घर में हादसा हुआ है, ये मेरे दो भाइयों को दंगाइयों ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, ये भागीरथी विहार के अंदर नाले के पास में उनको मार के नाले में डाल दिया है, गाड़ी भी जला दी है, बहुत घर का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुस्तवाद का भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारी तो दुनिया ही लूट गई है घर की। हमारी नानी रहती हैं सुंदर नगरी में, हमारे नाना नानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, वो दोनों बच्चे वहाँ उनको देख कर के आ रहे थे, परसों रात 9:30 के बाद बात हुई उनसे कि उन्होंने बोला कि हम यहाँ नहर पे आ चुके हैं भागीरथी विहार के पास, बस 5 मिनट में घर पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन ही बंद हो गया, उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं हो पाई। कल जब हम थाने पहुँचे हैं उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो हमें वहाँ पर पता लगा कि उनको मार दिया गया है। जब आप कंप्लेंट करवाने के लिए पहुँचा तब आपको ये बात पता चली? जी, जब थाने पहुँचे हैं कल तो वहाँ हमें पता लगा कि उन दोनों को मार दिया है, नाले में फेंक दिया था। तो अभी कहाँ डेड बॉडी मिली है फिर? नहीं, अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, कल उनका पोस्टमार्टम होगा, फिर डेड बॉडी हमें हैंड ओवर करेंगे। कब? ये कल का मामला है ना? परसों को। जी, तो अभी तक हॉस्पिटल में ही है? जी। क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल? वो ये बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लाइन लगी हुई है पोस्टमार्टम के लिए, बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो शायद कल वो पोस्टमार्टम करके हमें कल डेड बॉडी हैंड ओवर करेंगे। अभी क्या हालात हैं यहाँ पर सर? अभी तो यहाँ पर बहुत डर का माहौल है, और इस हादसे के बाद से तो हमारे मोहल्ले में और ज़्यादा डर का माहौल है। यहाँ पर अभी तक कोई भी
ऐसी कार्रवाई नहीं की गई ताकि हमारे इलाके की सेफ्टी हो पाए। तो कोई अंदर कोई पुलिस वाले नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रोडों पे बहुत ज़्यादा निकलने के लिए लोग डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर का माहौल है यहाँ। तो साथियों आपने ये दो तीन वीडियो देखी है, इसमें जो एक तो जो आरएसएस के जो बंदे सामने हॉस्पिटल में खड़े, हॉस्पिटल के ऊपर खड़े हैं और लास्ट उस पर छत पर खड़े हैं, तो इसमें देख रहे हैं आप उसमें पेट्रोल भी फेंक रहे हैं वहाँ से, तो इसमें कितना एक कर रहे हैं। तो उसमें सामने जो है एक में बताया जाता है इसमें जो इसमें शटर के अंदर भी गोली लगी है, तो गोली दूसरी तरफ चलाई जा रही है जबकि मुसलमान दूसरी तरफ है। तो ऐसा क्या इसको जो ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं उसका नाम इसमें मीडिया वाले भी बहुत उछाल उछल के ले रहे हैं। और इसमें जो क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वाले, एक वीडियो आपने देखा होगा उसमें जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले जो खड़े हैं और दूसरी तरफ से जो है वीडियो बनाई जा रही है, वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले सब के सब खड़े हैं, आराम से बैठे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो लोग हैं मुझे ऐसा लगा है पुलिस की जो वर्दी में हैं जो थे ये सारे के सारे आरएसएस के गुंडे हैं और आरएसएस के जो आरएसएस के कहने भी ये सारा कुछ चला है। और आप सभी समझदार हैं कि जो इसमें एक दो और देखी वीडियो आपने, तीसरी वीडियो देखी आपने जो नीचे से दिखाया जा रहा क्या उसमें के जो मतलब उसमें देखा आपने, आपने सभी ने इसमें दूसरी बात तो ये देखी आपने कि इसमें शटर में गोली लगी दूसरी साइड में, ये देखा आपने। तो इसमें जो चल रहा सारा कुछ ये, और अभी मैंने हमने वो आज तक की वीडियो देखी इसमें, मैंने इस पर समाचार में देखी आज तक वाली में, उसमें एक औरत जो ऊपर जाकर उसका क्या नाम है वो बता रही है कि नहीं यहाँ पर तो ताहिर हुसैन का मकान है ये, और ऊपर इसमें पेट्रोल दिखा रही है कहीं करके। जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच गए थे पहले ही तो उसको पेट्रोल रखा हुआ किसी ने मिला, किसी ने दिया उसको वहाँ पेट्रोल रखने दिया और किसी ने क्या किया है। तो ये मीडिया जो है, चलो जो भी है, उसने पत्थर भी दिखा रही है उसमें निकाल कर, उसमें ये सारे का सारे ड्रामेबाजी करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भारत की मीडिया है, जो भारत की मीडिया है रवीश कुमार उसके बारे में बोलते हैं ये गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया, और उसने लिखा था कि इसमें उसने ये भी बात बोल रखी रवीश कुमार जी ने कि भाई जो NDTV के रवीश कुमार आप सभी जानते हैं उसको, कि जो इसमें कि लोकतंत्र की हथियारी है गोदी में भारत की मीडिया, तो जब लोकतंत्र की हथियारी गोदी मीडिया है तो वो सही कैसे दिखाएगी। तो अभी जो दिख रहे हैं इसमें कि बहुत सारे ट्विटर पे बहुत सारे इसमें जो RT सेल वाले बैठे बंदे, ये सब के सब जो बिके हुए लोग हैं और जो सब के सब ये जो लोगों को झूठ बोलने का सुबह से लेकर शाम तक झूठ, जब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ऐसे ऐसे झूठ बोल सकते हैं तो दूसरे तो क्यों नहीं बोलेंगे झूठ। तो ये झूठ के दस पर चले आए, तो मीडिया भारत की मीडिया रवीश कुमार के हिसाब से वो बोलते हैं उसको गोदी मीडिया है, हम उसको गोबर मीडिया बोलते हैं। तो ये जो इसमें जो चला है जो कतलेआम हुआ दिल्ली के अंदर, ये इसमें दोषी जो है भारत की सबसे ज़्यादा मीडिया और दूसरी दोषी पुलिस है और सबसे बड़ा जो आतंकवादी ग्रुप है RSS है, तो जिन्होंने ये सारा काम कराया है। जबकि मोहन भागवत का आपने दिखा है इसमें स्टेटमेंट है, मोहन भागवत ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने ही दंगे कराए हैं, मोहन भागवत ने ही दंगे कराए हैं। ये जो एक नंबर का चोर है, मतलब डाकू लुटेरा, ये मतलब सबसे बड़ा ठग मोहन भागवत है जिसने पूरे सिस्टम पर कब्जा किया है। ये इस सिस्टम पर कब्जा किया, जो IB से जो भी सब कुछ इनके एंटर में चल रहा है फिलहाल, लेकिन इनके पास में धन शक्ति है, बल शक्ति है और कुछ नहीं है, सिर्फ धन शक्ति और बल शक्ति है इनके पास में, लेकिन जन शक्ति भारत के लोगों के पास में है, ये उसके बदल सकते हैं सिस्टम को। तो भारत की मीडिया जो दिखाने की कोशिश कर रही है ताहिर हुसैन के, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोषी, उसको दोषी दिखा रहे हैं और उसकी वीडियो दिखा रहे हैं ताहिर हुसैन जी की, उसमें उस जिस टाइम पर उसने बोला था उसमें जब मतलब जिस टाइम उसके मकान के अंदर घुस रहे थे उसने बोला था उसने, और दिखा रहे वीडियो जी। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है और 24 तारीख को मैं यहाँ पर आया, दंगे की आवाज़ आई तो मैं घर से भागता हुआ इधर आया, तो मैंने देखा तकरीबन यहाँ से 200-300 मिलिट्री वाले थे और यहाँ उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था। दोपहर में भी डर लगा था तो मैं अपने जॉब पे से वापसी आ गया था, घर आ गया वापसी, तो रात में 11:30 बजे मैंने अपने हाथ से वीडियो शूट करी है और उस वक्त यहाँ मोहम्मद ताहिर हुसैन यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, मिलिट्री वाले से कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे घर में मेरे बच्चे फंसे हुए हैं, कुछ सामान है वो निकलवा दो। तो मिलिट्री वालों के साथ बाकायदा एक जिप्सी आई है SHO साहब की, वो अंदर गए हैं वहाँ पर
और वहाँ से आने के बाद वापसी भी आए हैं भागते हुए, तो शायद जो उनको जो चीज़ लेनी थी वो आ चुके थे लेकर। और मेरे पे जो वीडियो है जो बता रहे हैं कि बराबर में पार्किंग है, जो मेहरूजम के अंदर खाना बनना था, ठीक है, तो उसमें लोगों ने आग लगाई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ की एक ऐसी वीडियो है मेरे पास जो देख के आप हैरान हो जाओगे। वहाँ पर लोग मिलिट्री वाले खुद पत्थर भरवा रहे हैं मरवाने के लिए ताहिर भाई के सेकंड फ्लोर को, और बराबर में पार्किंग वाले सेकंड फ्लोर को आप देखोगे तो बराबर में मैच है। तो 24 तारीख को रात में जब उन्होंने हैंडओवर कर दी ये चीज़ सर, तो वहाँ पे सब चीज़ें कैसे पहुँच गई? हो सकता हो बजरंग दल वालों ने रख दिया उठाकर। जब मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई इनको आग लगा रहे हैं, गुजर की दुकान में आग लगा रहे हैं फर्नीचर वालों को, आप बचाओ, तो आप मेरी वीडियो में देखोगे तेल डालते हुए आग लगा रहे हैं, जो पुलिस वाले 300 की 400 की तादाद में लोग खड़े हुए हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है और हमें खड़े होकर भगा रही है। और हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है आगे आप दिखाओ। एक चीज़ और भी बताऊंगा, 25 तारीख को मोहन यहाँ पे पेट्रो पंप के बरार में अस्पताल है, काफ़ी बड़ा मशहूर अस्पताल है मोहन नर्सिंग होम है, वहाँ के ऊपर से 4-5 जने गोली चला रहे हैं फायर के साथ, जिसके बंदे की यहाँ आके गोली लगी है, जो 17 नंबर में रहता है, लगती बंदा डेड हो चुका है, लोग उसे नहीं दिखा रहे हैं। एक हमारी मस्जिद है जिसमें तोड़ दी गई चंदू नगर में, उसके बाद पूरा मारा है इमाम साहब को, वहाँ पे इमाम साहब को मारा है, तेल लगाकर दला के बंदों को, उसमें बच्चे जो रहते थे उनको जला दिया गया है। तो ये सब लोग एक ही तरह को दिखाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे पे वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखा दूं सर, जो मेरे पे वीडियो है, मैं चाहता हूँ इनकी हरकत ना दिख रही है। ये देखो, ये ताहिर भाई अपने घर के लिए कह रहे हैं मेरे घर में लोग घुस रहे हैं, ठीक है, और ये जाके पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, ठीक है, और ये आराम से पुलिस वाले ऐसे बैठे हुए हैं, देखो सारे के सारे बिल्कुल इत्मीनान से सारे के सारे बैठे हुए हैं भाई, ये देखो लाइन तारी से बैठे हैं, और ये जस्ट 10 फुट की 5 फुट की दूरी पे ये लोग आग लगा रहे हैं, गुजर का सामान निकाल कर, सारे फर्नीचर में आग लगा रखी है, गुजर के फर्नीचर में आग लगा रहे हैं ये, ठीक है, ये फर्नीचर की दुकान है काफ़ी बड़ी, देखो दिन दहाड़े ये जला रहे हैं, पुलिस वाले खड़े, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कह रहे हैं और हमें आके रोक रहे हैं अंदर जाओ, ये हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल लड़ाई नहीं चाहिए, इनको यहाँ से हटाओ। और ये देखो पुलिस वालों को, किसी भी पुलिस वाले पे बेच नहीं है भाई, ये सारे के सारे पुलिस वाले विदाउट बेच है और बेफिक्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपस में लड़ें। ये देखो भाई बिल्कुल बेफिक्री से अपने फ़ोन को चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है इनको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। ये देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये लोग कैसे फर्नीचर तोड़ रहे हैं, ये नया फर्नीचर में आग लगा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से तेल डाल के, मिट्टी का तेल डाल रहा है, ये देखो लड़का मिट्टी का तेल डाल के ये पूरी दीवार से लगा दी है, जिसके इसका अपना घर का खेत हो, ये हाईवे पर सोफ्टे रोड पे चांदबाग की पुलिया, नियर चांदबाग की पुलिया, करावन नगर रोड, ये सोफ्टे रोड पे भागा था, गुजर का फर्नीचर निकाल के जला रहे हैं ये आरएएस वाले, साथ में कपिल मिश्रा इनके पीछे खड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं सकता बिल्कुल भी, अभी मेरे बिल्कुल जस्ट अभी अपोजिट में खड़े हैं, इनको अभी 2 घंटे पहले मीटिंग करी इन्होंने कि ऐसा करना है, अभी लाइट भगाने का भी चांस था, हम लोगों का हमला बोल दिया है। चंदू नगर में भी लोग ये इसी हरकत से कर पा रहे हैं, मगर हम उधर नहीं जा पा रहे हैं भाई, हम अपने घर के पास आकर ये वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ जो भी लोग देख रहे हैं ये लोग शेयर करें, और प्लीज़ इन पुलिस वालों को कोई भी ऐसा हो जो इन्हें समझाए और इनको आग बुझाए और इनको भगाए, कोई ऐसा है इसमें जो मेरी वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ शेयर करो। देखो भाई, देखो SHO की ये जिप्सी भी आई हुई है, कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल इत्मीनान से नीचे बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल बेफिक्री से हंसी मजाक कर रहे हैं ये लोग। तो साथियों, इसमें ताहिर हुसैन की वीडियो देखी है, अभी एक बात देखो आप, मतलब नीचे ताहिर हुसैन के तो उसमें कमरे में घुसे हैं, ये घुसते भी देखे, हमने दिखाई वीडियो पहले देखी हमने उसमें के अंदर घुसे हैं, और इतना सामान वो ताहिर हुसैन अपने मकान के ऊपर रख के क्यों करेगा वो इतना काम? अगर उसको करना ही था, मतलब ताहिर हुसैन जो करता है इसको काम को, अगर करने वाला था तो उसको अपने मकान ही क्यों यूज करेगा वो? ये इसके पीछे कुछ ना कुछ चाल है बहुत तगड़ी। और इसमें ये जो आम जो केजरीवाल जो है भाई साहब, ये ऐसे जो बैठे हैं चुपचाप रहने वाले, वे बहुत ख़तरनाक इंसान होते हैं, वो किसी को भी फंसा देते हैं। तो इसमें जो है, इसमें जो भारत की मीडिया है, भारत की मीडिया में ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें, कि मैं तो इतना जानता हूँ कि जब से ये भारत की मीडिया ना तो कल भारत के हक में थी, ना ही आज है, और ना ही आने वाले वक्त में होगी भारत के हक में, क्योंकि ये लोग जो गुमराह करने में लगे हुए हैं बचपन है, सबके जितने भी जितने आज जो हिंदुत्व के नाम पे जो जय श्री राम के नारे या किसी के भी नारे निकलते हैं,
ये मीडिया की देन है। और इतनी मुसलमानों से जो नफरत की लोगों ने, मुसलमानों से इतनी ज़्यादा नफरत कर रखी है, ये मीडिया की देन है। मीडिया की वजह से सारा काम किया उन्होंने। तो ये मीडिया जो है, गोबर मीडिया, बदबू मीडिया, इसको जो है ना बिल्कुल सबको बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने, इनकी वजह से आप इंसानियत से गिर गए हैं नीचे, जो शैतान बन गए हैं। जो एक आम इंसान भी इंसान को मार सकता है, वो काहे का बंदा है, वो काहे का है, वो तो शैतान हो गया है इंसान है। तो जो इंसान को इंसान मार सकता है वो इंसान नहीं है। तो ये जो इंसान मारने का काम जो किया है इस भारत की मीडिया ने किया है, और भारत की मीडिया जो इतने बड़े बड़े दावे करती थी उसमें 26 जनवरी, हमने कल ही बोला था उसमें कि इसमें बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि भाई पीएम मोदी को इतनी तारीख में अटैक करेंगे, वो फलाना जो है ढिमका ऐसे इतना अटैक करेगा। इनको 15-15-20 दिन पहले पता लग जाता है, यानी कि इनके अंदर खाली शेडिंग होती है शायद इनके साथ में, ऐसा लगता है। लेकिन क्या हुआ जो दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ है, इसके बारे में मीडिया को क्यों नहीं पता लगा? इसका मतलब इनको, इनकी सलाह थी मीडिया की, तो इस गोबर मीडिया ने भारत के जो है नरक बढ़ा दिया इसने। और ये जो बैठे हैं जितने सारे डरपोक लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं, जो भी भारत की मीडिया चला रहे हैं, इस सबके सब 99% बिके हुए लोग। और बिके हुए लोगों की कुछ कीमत नहीं होती, चाहे वो करोड़ों मनी, अरबों खरबों नहीं, चाहे उसके पास में बिलियंस डॉलर हों, तभी वो कीड़े के जैसे गंदे नाले का कीड़ा निकलता ना बाहर, गंदे नाले का कीड़ा निकलता है जब गर्दन निकालता बाहर बुदबू वाला। तो ऐसे इनके हालात हैं, ये बुदबू वाले कीड़े हैं और कुछ नहीं है। जो ईमानदारी पर सच्चाई पर चलते हैं वही इंसान हैं, बाकी ये सब के सब शैतान हैं। और भाई ये गोबर मीडिया से सावधान है, तो हम हर उस चीज़ को दिखाएंगे जो इंसानों से जुड़ी है, सच से जुड़ी है। तो क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता आपका अपना टीवी है, ये वॉइस ऑफ मानवता लोगों की आवाज़ है, आपकी अपनी आवाज़ है। तो इसको लाइक करें पेज को, हम उसको दिखाते रहेंगे और बार बार दिखाएंगे, जब तक सच्चाई सामने नहीं जाएगी तब तक दिखाते रहेंगे। थैंक यू सबका, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये काम आपको पसंद आ रहा होगा सभी को। तो थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी, सलाम वालेकुम।